तलाक याफ्ता लोगों के घरों पे नहीं आते। जिसकी बहन को तलाक हो जाए ना, वो लड़की मशकूक हो जाती है। खाना सबको पता है हमारे साथ धोखा हुआ है। ये तो मोहल्ले वालों को पता है ना, गैरों को क्या पता कि तुम लोगों के साथ धोखा हुआ है या फिर लड़की में कोई कमी थी। वैसे मैंने ना सकीना बी को कहा है कि मेरी रियाना के लिए कोई बहुत ही बढ़िया बड़ी चंगा रिश्ता ढूंढ के ले आए। फैसलाबाद के पास गांव है, बहुत बड़ा जमींदार है, अपनी बेटी का रिश्ता करवाना चाहता है। 4 मुरब्बा जमीन, 1 मकान, सब दामाद के नाम लिखना चाहता है। क्या बात है। पता नहीं शहनाज, मेरा दिल नहीं मान रहा। जिस पे दिल मान रहा था क्या वो ठीक निकला? ऐसे तो ना कहो, हमारी बेटी के भी कुछ अरमान है। मेरे भी अरमान है, मेरी भी बेटी है, आप मेरी भी मर्जी रख ले, मैं उसकी माँ हूँ, दुश्मन तो नहीं हूँ। आखिर एक दफा मिलके देखने में हर्ज ही क्या है? कब खत्म हुई है फिर इम्तिहान? क्यों खत्म हो रहा? अल्लाह ताला ने तुम्हारी नेकियों का नतीजा भेजा तो है। ज्यादा खुशफहम होने की जरूरत नहीं है। जा बच्चा जा, अल्लाह तेरा हामी नासिर। माया आजो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे साथ हुए हादसे का सुनकर। तलत क्यों उसे बाप याद दिला रही हो? तकलीफ होगी उसे। माया बेटा चाय ले आओ। माशाल्लाह आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, मुझे तो दिल से पसंद आई। और मेरे भाई ने भी सारे इख्तियारात मुझे ही दे रखे हैं, बस एक मसला है। हाँ तलत ने बताया था मुझे। नहीं नहीं, असल में इसके अलावा भी एक मसला है। मेरे भाई की उम्र 40 साल है, 10 साल उसकी शादी चली लेकिन उससे कोई औलाद नहीं हुई। जब हमने उसके टेस्ट कराए तो पता चला कि नक्स मेरे ही भाई में, इसीलिए उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। लेकिन अब मेरे भाई का ये कहना है कि आप जहाँ भी जाएं पहले उन्हें सारी हकीकत बता दें। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, हर बहन यही चाहेगी कि उसके भाई के लिए ऐसी लड़की ब्याह कर लाए, लेकिन मैं आप पे कोई प्रेशर नहीं डालूँ। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। पूरा हफ्ता हो गया है मैरिज ब्यूरो के चक्कर काटते काटते, अजाले को एक भी ढंग का रिश्ता दिखाया हो। मुझे तो लगता है सारे माँ बाप ही कंगाल हो गए, सिवाय लड़की के और 2-4 मेज कुर्सियों के कुछ नहीं निकल रहा इनकी जेबों से। ओ यार ठंडी करके खाओ, अभी तो कराची से इतना बड़ा हाथ मार के आयो। वो तो ऐसे खाना पूरी की थी मैंने, फारिग बैठे हुए थे, मैंने कहा काम ही करें, वरना वो उस्ताद जी वो तनख्वाहदार मुलाजिम थे, उनसे कोई उम्मीद नहीं थी मुझे। और क्या चाहिए, हेलीकॉप्टर वाला घर चाहिए। क्या पता कब मेरा रब नवाज दे, आखिर तो हमारी यही रोटी रोटी है यार। और यार सारे इसी उम्मीद पे काम कर रहे हैं,
देखो किसका दाव लगता है। बोल। शाबाश शाबाश, वाह मेरे मौला साहिब, वाह वापसी ले गाड़ी। इसार आप शादिया से बात कर लेना। किस सिलसिले में? नाइल और माया की शादी के सिलसिले में। कैसे बात करूं? पहले उसने चोली फैलाई और मैंने झटक दी, अब अपनी लुटी पिटी बेटी को उसके साथ कैसे नथी कर दूं? नायल अपने दोस्त के घर आया था तो मैंने बोला कि मुझे भी भाई साहब के पास छोड़ दो। अच्छा तो उन्हें कॉल करके कहे ना यहीं से चाय पीते जाएं। अरे नहीं बेटा, उसे कुछ काम था। और भाभी भाई साहब कहाँ हैं? वो रूम में अपने, आप चले मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, पहले भी मैं खुद खर्च हो गया था, ये ज्यादती होगी शाजिया और नायल के साथ। कैसी ज्यादती भाई साहब? शाजिया, मैंने तो माया को हमेशा से अपनी बहू बनाना चाहा। पहले वाली माया और अब वाली माया में जमीन आसमान का फर्क है। नायल उसे बहुत पसंद करता है भाई साहब। करता होगा पसंद, लेकिन उसके जब्त का इम्तिहान मत लो, नाइंसाफी होगी। ठीक है तुम मेरी बहन हो, लेकिन एक माँ भी तो हो। उसकी माँ तो मैं बाद में बनी हूं, पहले तो आपकी बहन हूं। नायल नहीं मानेगा। मैं मना लूंगी उसे। रुको चाय बनाओ आपके लिए। नहीं नहीं बाद में पीते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम बनाओ चाय और वहीं टेबल पे रखो, हम वहीं आके पीते हैं। चाय पिए बगैर कैसे जा सकती हो तुम? सब लोग ये याद रखें कि छोटी सी भी गलती हमें खतरे में डाल सकती है, सबका नुकसान हो सकता है। और कार्रवाई करने के लिए मुझे खबरें पक्की पक्की चाहिए सारी। खबरें मैं लाऊंगा सच्ची भाई। तू खबर सुना क्या कह रहा है? तू कुछ गड़बड़ ना कर दे यार। क्या सच्ची भाई, कितने सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं, कभी कोई चवल मारी है? चवले तूने बहुत मारी हुई है। खैर जा अभी शुरू कर काम, जा ना काम पे लागी यार। ओ हाँ यार, वो एक शानदार किस्म की गाड़ी अरेंज करनी तूने, देख के करी उसका नंबर वंबर, ये हर चीज पक्का काम और लेवल की गाड़ी हो, पता लगे यार कि हम लोग गाड़ी कौन सी चलाते हैं शानदार किस्म की। सही है? ओके बॉस, कोशिश करूंगा जनाब की शायद शान हो।
यार और क्या चाहिए था खबर? और क्या है? कोठी कोठी। हाँ यार देख, सबसे अहम चीज एक अच्छी सी हवेली या कोठी, दोनों में से कोई भी चीज तुझे मिले, ले उस गांव में ना हो, आसपास के जिले में हो जाए, लेकिन एक आला तरीन हवेली या कोठी, और जिससे तू किराए पे लेगा ना उसको साल का एडवांस दे दे, उसके मुंह में नोट डालेगा तो वो चुप रहेगा ना, पिछा के रौला ना पावे साढ़े। सुन, थैंक यू यार। ओ खबर इधर तो देखो, फोन पे लगी भी, कुछ पता भी है जहाँ आ रहा, क्या कर रहे हैं हम लोग? पता है, सब पता है, सब जानती हूँ, तो शो है ना हमारा कर। कमाल है, खतरा सबसे ज्यादा मेरी जान को होता है, तुम लोगों को कौन पहचानता है? कितनी को इन्वेस्टमेंट है यार, क्या खर्चा है? बाबूजी पल्ले से लग रहे हैं कोई 10 लाख से कुछ ऊपर, 15 तक जा सकता है। वापस कितना आएगा? 4 मुरब्बे जमीन, 1 आलीशान कोठी। हाथ तो बड़ा मारेंगे इस बार इंशाल्लाह। मुबारक हो भाई, मुबारक। किस चीज की मुबारक हो? तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियों के रंग भरने जा रहे, जैसे कल भरे जा रहे। इस दफा बात नायल भाई की हो रही है। अम्मी और बाबा पप्पू से यही बात कर रहे हैं, इनफैक्ट पप्पू खुद नायल भाई के लिए तुम्हें मांग रहे हैं। कैसी जा रही है नाइल की जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, बहुत मेहनत कर रहा है, इंशाल्लाह जल्दी प्रमोशन भी हो जाएगी। अच्छा इंशाल्लाह। पप्पो जी, मेरी जान, आप नाइल के साथ ऐसा नहीं कर सकती। बेटा बड़ों की बातों में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। क्यों ना बोलो अम्मी, ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी में ना अब कुछ नहीं बचा उसके साथ शेयर करने के लिए। नाइल अब मुझे डिजर्व नहीं करता और सच माने मुझ में हिम्मत भी नहीं है इस सब से फिर से गुजरने की, आप समझ रहे हैं ना? कुछ नहीं दे सकूंगी मैं नाइल को, ना कोई सुख ना कोई खुशी, सो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप उस पे जुल्म मत करें प्लीज। जुल्म तो तुम हम पे कर रही हो बेटा, अपने बाप को जीते जी मार के, रोज रोज तुम्हें मरता देखने से बेहतर है कि हमें एक ही दफा जहर दे के मार दो, किस्सा ही खत्म करो, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं हम तुम्हारी खुशी के लिए जतन करते रहेंगे। माया ये देख बेटा, हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे, अपने बाप की बात मान ले। बाबा मैं थक चुकी हूं, आपको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज इस घर के किसी कोने में मुझे पड़ा रहने दे, इतना तो कर सकते हैं ना? मैंने आपसे एक बार नहीं हजार बार कहा है कि मैंने नहीं करनी है शादी, इनकार कर चुका हूं ना? मेरी ना हां में नहीं बदलेगी अम्मी, अब
आपको तरस नहीं आता है मुझ पे? खुदा के लिए मुझ पे रहम करें। मैं खुदा का वास्ता है, आप क्यों मुझे आजमाइश में डाल दीजिए? मैं सारी जिंदगी उसके सामने झुकी रहूंगी, उसके एहसानों के बोझ तले मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तो तुम में कौन से कीड़े पड़े हैं? एक हादसा था ना, हो गया। जिस घर में डकैती होती है क्या उसे खंडर बनने के लिए छोड़ दिया जाता है? कसम है तुमको मेरी, खुदा के लिए अपनी फुप्पी के सामने हमारी इज्जत रख लो। खामोशी में इकरार नहीं होता, कुछ खामोशियां इनकार समेटे भी होती होंगी भाई साहब, लेकिन मैं नाइल को अच्छी तरह जानती हूं। अगर वो चुप है तो इसका मतलब है मान गया है। फिर भी एक मर्तबा तसल्ली से पूछ लेती, कहो तो मैं पूछ लू। अरे नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। निसार, शाजिया कह रही है ना कि वो मान गया है, तो फिर आप रहने देना। मैं तो कहती हूँ कि शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। अरे भाभी, मेरा तो बस नहीं चल रहा कि आज ही माया को अपनी बहू बना कर ले जाऊं। सच शाजिया, तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे भाभी, इसमें एहसान कैसा, ये सब कुछ ऐसे ही होना तय था। अच्छा खैर, जो होना था हो गया। हम क्यों माजी को याद करके अपनी खुशियों को बर्बाद करें? शायद तुम ठीक कह रही हो, ये खुशियां मेरी बेटी के नसीब में लिखी थी, जिसे मैंने अपनी कम अकली की वजह से टुकड़ा दिया। छोड़े ना भाई साहब, क्यों अपने आप को अजियत और शर्मिंदगी देते हैं? नायल बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, अपना मुंह मीठा करो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी बात तय कर दी है, इस महीने के आखिरी जुमे तुम्हारा निकाह है, चलो जल्दी से। कुछ खुशियां तब मिलती हैं जब उनका मिलना या ना मिलना बराबर हो। बेटा फजूल बातें सोच सोच करना, अपना दिमाग मत खराब करो। खुशी खुशी लाओ माया को घर में, कुछ बोलो तो सही। क्या सुनना चाहती हैं आप? खुशी का इजहार करो, आखिर जिसे तुम चाहते थे वो तुम्हारे नाम हो रही है। हाँ तुम्हें पता है, भाई साहब को भी बहुत एहसास है। फायदा, जब करना था एहसास तब तो किया नहीं। बेटा तुम्हारी शिकायत बचा है, लेकिन अगर इस तरह शिकायतें दिल में रखोगे ना तो रिश्ते बोझ बन जाएंगे और ये बोझ ज्यादा अरसे तुम उठा नहीं पाओगे। भूल जाओ सारी बातों को। मेरे लिए ये
उस अजियत से ज्यादा तकलीफ दे हमें। मर्द को औरत और मोहब्बत अनछुई चाहिए होती है, जिसे ना कभी किसी ने देखा हो ना कभी किसी ने छुआ हो। तुम लोगों की आशी पे खर्चू तो ठीक है, और जब मैं खर्चू तो आग लग जाती है। असल में तो इन पैसों के सिर्फ दो हिस्से होने चाहिए, दो। एक हिस्सा मेरा और दूसरा हिस्सा तुम दोनों का। क्या देख रही है मेरी तरफ? सही तो कह रहा हूँ। हाँ भाई, देखा सामान? इतनी मुश्किलों से एक दो चीजें तो इतनी मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ ना। देखो ना, देखा? मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैसा तारीफ करते हुए ना तुम्हें मसला हो रहा है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? अच्छा छोड़ो, इनमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नायल भाई में तो इंटरेस्ट है ना। वैसे एक बात है माया, उनकी मोहब्बत है बड़ी सच्ची। जब ये तो देखो, आखिरकार तुम उनकी होने जा रही हो। मुझे लगता है नायल राजी नहीं। माया, अगर वो राजी ना होते तो शादी की तारीख तय करने देते? नहीं ना। ये जो तुम्हारे जहन में वहम आते हैं ना, इनको निकाल दो। इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक होगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक होगा। मेरी बात सुनो, कभी कभी ना कबूलियत की घड़ी होती है। मुंह से कुछ भी निकलावा सच हो जाता है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें किया कीजिए मैडम। बुरा ना भी बोलो तो भी तो बुरा हो जाता है, होने को कौन टाल सकता है। जब भी बोलेंगी ना मैडम, कफन फाड़ के बोलेंगी, इसलिए तुम ना चुप ही रहा करो और चुपचाप मेरी शॉपिंग देखो। यार इसकी तो मैचिंग मिली नहीं रही थी, गली के कोने वाली जो दुकान है ना वहां से। क्या बात है निसार भाई, काफी गहमा गहमी है। छोटी की कहीं बातें कर दी क्या? पेशे से कसाई हो लेकिन तफ्तीश बिल्कुल पुलिस वालों की तरह करते हो। सारी रिपोर्टें होती है तुम्हारे पास। चौक पर दुकान है मेरी, आते जाते बाजार से जो शॉपिंग बैग भर भर कर लाते हैं तो नजर पड़ ही जाती है। वैसे भी खुशियां मिलकर बांटनी चाहिए, बेटी की शादी है, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बिना झिझक बता दीजिएगा। बस एक काम है, दुआ कीजिएगा इस बार मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। जल्दी भर यार। हाँ बेटा, थोड़ा कोने से कोने से। हाँ, कितनी बार नायल को कहा कि पंखा साफ कर दिया करे, लेकिन ये लड़का बिल्कुल नहीं सुनता मेरी। अरे फुप्पो फिकर नहीं करें, पूरा साफ सुथरा करके जाऊंगी। अच्छी खासी मट्टी हो रही है, ये देखें, हो गया परफेक्ट। अरे आ गए नायल भाई। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, तुम्हारा कमरा तो बहुत छोटा है और मैंने इतने बड़े कमरे में रहकर क्या करना है। और अब हमारी माया भी आ रही है तो तुम दोनों इसी कमरे में रहोगे। रंग करवाने का तो वक्त नहीं है, सोचो सेटिंग ही चेंज कर दें, कुछ तो अलग लगेगा ना। क्या जरूरत है सब की? मालवीय आपका मूड क्यों खराब है भाई? सच्ची बात है, मुझे तो लगा था माया से शादी की खुशी में आपका चेहरा हजार वाट के बल्ब की तरह चमक रहा। याल्ला नायल भाई, इस तरह तो मत घूरे, लग रहा है मार डालेंगे। अरे जा कहाँ रहे हैं? ये दे मुझे।
आए ना, थोड़ी सी मदद करवाएं। इतने सारे थका हूं, सॉरी। इन्हें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, इसका ना मुंह ऐसे ही सड़ा हुआ होता है जब ये ऑफिस से आता है। जल्दी सेटिंग करा दो वरना और ना सड़ जाए। चलो सेटिंग तो पप्पो हो जाएगी, मगर वो फूल वालों को बुलाना होगा ना सजावट के लिए। उसकी फिक्र नहीं करो तुम, वो रिफत है ना मेरी पड़ोस में, उसका बेटा डेकोरेशन का काम करता है, उससे मैंने कह दिया आगे अच्छे से सजा जाएगा। पप्पो आपको पता है ना माया को गुलाब के फूल बहुत पसंद है। जी जी, मुझे उसकी हर पसंद नापसंद का अच्छी तरह पता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ रख दूँ, अच्छा लगेगा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ना, रख देते हैं। आप ये सब छोड़िए, मैं करती हूँ सेट। नायल भाई बड़े सड़ियल हो गए यार। ना हंसी ना मजाक, बात करो तो भी ढंग से बात नहीं कर रहा। उन्हें तो खुश नहीं होना चाहिए, तुम मोहब्बत हो उनकी। मोहब्बत थी, अब नहीं। ये क्या बात हुई, मोहब्बत तो मोहब्बत रहती है, वक्त के साथ खत्म थोड़ी हो जाती है। खत्म हो जाती है मोहब्बत जब पराई हो जाए, तो अपनी मौत आप मर जाते हैं। मर्द को औरत और मोहब्बत अनछुई चाहिए होती है, जिसे ना कभी किसी ने देखा हो ना कभी किसी ने छुआ हो। चलो आई अग्री, लेकिन शादी के लिए भी तो वो खुद ही राजी हुए ना, तो आप खुश भी हो जाएं। राजी नहीं हुआ होगा, किया गया होगा। पर रही बात खुश होने की, खुश दिल से हुआ जाता है, और जब दिल अनचाहे रिश्ते की उसे कबूल करने की जंग कर रहा हो ना, तो फिर खुशी कैसी। ये तो कोई बात नहीं हुई माँ, तुम नहीं समझोगी। जिनके दिल पे गुजरती है ना, सिर्फ वही जानते हैं।
हाँ जी, की हाल है? आ गया ये मैडम, क्या पिएगी? मंगवा दे कोई बोतल वोतल, इतनी गर्मी पड़ रही है, हलक में कांटे पड़ रहे। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं? अरे छोटे, हाँ गया, अभी आते तो मंगवा देते सब कुछ आपके। बात सुन, तूने जो पिछली दफा मैंने सोना बेचा था ना तुझे, उसके पैसे नहीं पहुंचे अकाउंट। बहुत गंदा ठंडा चल रहा है। अच्छा, अब तू हमसे टोपी ड्रामा कर रहा है? बड़ा माल आने वाला है, अगर इसी तरह तूने बैंक में पैसे ना डलवाए ना, तो फिर सोच ले तू। अरे नहीं नहीं, नाराज क्यों होती है, आजकल मैं पैसे दे दूंगा। हाँ और सुन, ये मेरे और तेरे दरमियान बात है, शर्जी तक खबर ना पहुंचे। मैडम कसम खुदा की, जब हर दफा ये बोलती है ना, दिल दुखता है। इसकी खबर पहले सजीव भाई को करके अपनी रोटी रोजी पे लात नहीं मारूंगा। अच्छा चल ना, वो चूड़ियां दिखा जो मैंने तुझे कहा था असली लगनी चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, देख के खुश हो जाए, एकदम असली। बंदा तू काम का है, तभी तो सारी मार्केट छोड़ के तेरे पास आती हूँ, और तंग बड़ा करता है तू। चल ठीक है, 6-8 चूड़ियां बना दे ऐसी। 6-8? मैडम लगता है दवा शिकार को डाटा है, है ना? चले ठीक है। ये घड़ी के भी 2 लाख रुपए ना, कैसी लग रही है? चलो भाई, ये तो असली में अपने आप को लैंडलॉर्ड समझने लगा है भाई। क्या हो गया, सेकंड हैंड लिया मैंने, असल में तो 22-24 लाख की है। तो ठीक है, लेकिन ब्रांड लेने की क्या जरूरत थी, आजकल तो डुप्लीकेट भी सस्ती मिल जाती है। हाँ, सस्ती चीजों से इसकी हसरतें पूरी होंगी। ओ, एक मिनट, कुछ ताने वाने देना मुझे, समझा ले खबर इसको, अगर मैं बोलूंगा ना तो इसे बर्दाश्त होगा फिर। क्या बोला है मैंने गलत? सब सही बोल रही हूँ, क्यों लुटाता है पैसा इतना, कभी घड़ियों पे कभी कपड़ों पे? और क्यों ना लुटाऊं, कमाता भी तो मैं ही हूँ, तुम लोगों को भी छुसाते हो ये पैसे, मेरी वजह से याशी करते हो। तुम लोगों की याशी पे खर्चू तो ठीक है, और जब मैं खर्चू तो आग लग जाती है। असल में तो इन पैसों के सिर्फ 2 हिस्से होने चाहिए, 2, एक हिस्सा मेरा और दूसरा हिस्सा तुम दोनों का। क्या देख रही है मेरी तरफ, सही तो कह रहा हूँ, इसको मेरे दोस्त की भी तकलीफ है कि उसको पैसे भी जाओ। ओए हेलो, अपनी औकात मेरे याद नहीं कैसे आया था मेरे पास एक मुखबर की नौकरी के लिए? अरे तेरी औकात तो चीमे से भी कम है। औकात की बात कर, चले और अपनी ये भूती जो है ना, जिसके ऊपर तू बड़ा इतराता फिरता है, अरे ये मैंने बनाई संवारी है जो इस काबिल हुआ है। क्या इस काबिल चले, क्यों ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो तुम लोग? हाँ, आपस में लड़े मरे जा रहे हो। घड़ी की क्या है यार, घड़ी महंगी है ना, बिकेगी भी महंगी, पैसे आपस में बढ़ जाएंगे, खत्म। इसका मुंह बंद कर, तू मुंह बंद कर अपना, खतरा मैं बोल लूं, बातें भी सुनूं इसके ऊपर से। कहां से कहां पहुंचाया है, आज हमारे मुंह लग रहा है। चल, पहुंचाया है तूने, पहुंचाया है। चले, बढ़िया ही, निकाल उसको बाहर। अरे लड़कियों जल्दी जल्दी बनाओ, वक्त नहीं है अब। गजरे तो ठीक बन रहे ना, गिन लेना, वक्त कम है हमारे पास। बहुत अच्छे लग रहे माशाल्लाह। अरे तुम कहाँ बाहर घूम रहे, जो आप कमरे में अच्छी तरह अपनी निगरानी में सजावट करवाओ। क्या जरूरत है सबकी, मेरी खुशी तुम्हें तो जैसे कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तो लग रहा है तुम्हारी ना किसी मोहल्ले वाले की शादी हो रही है।
क्या परवाह नहीं है तुम्हें? मेरा तो कह तो रहा हूँ, मेरा दिल नहीं दुखा, जाओ जाओ। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक है भैया, आप लोग सब आए? आए आए, सबसे पहले आपको कमरा दिखाऊं, क्या सजावट करवाई है हमने। आइए आइए। मेरे पास कुछ नहीं है, खाली हाथ। हाँ, दिल जरूर है, पर उस दिल में तुम्हारे लिए प्यार भी बहुत है। तुम सच में बहुत प्यारी हो माया, मासूम। तुम किसी का भी ख्वाब हो सकती थी। छुआरे और ये दोनों। अच्छा, कब रवाना हुई? सबने पूछ पूछ कर मेरे कान पका दिए। आखिर किसका इंतजार हो रहा है? सब बैठे बैठे उकता चुके हैं। अरे बस नाइल का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चला गया। क्यों, कहाँ गया? नहीं, मैं तो कमरे में छोड़कर आई थी, तैयार हो रहा था, फिर कहीं निकला होगा, बगैर बताए चला गया। फोन करो ना उसे। अरे कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा ना। रस्ते में होगा, आ ही रहा होगा, बस दो मिनट। हाँ ये लो, मेरे बेटे का मैसेज आ गया, बड़ी लंबी उम्र है माशाल्लाह। अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की है, पर मैं नहीं कर पाया खुद को राजी इस रिश्ते के लिए। मैं नहीं कर सकता ये निकाह। अब मेरी तरफ से मामू और माया से माजरत कर लीजिएगा। कहाँ रह गए हो भाई तुम लोग? अरे यहाँ मेहमान कब से इंतजार कर रहे हैं, बल्कि मेहमानों में तो खलबली मची हुई है कि कहीं दूल्हा भाग तो नहीं गया। दूल्हा वाकई भाग गया, शादी से इनकार कर दिया उसने। क्या?